सिंगरौली में ऑपरेशन शिकंजा के तहत कबाड़ कारोबारी से जुड़े दो कारोबारियों पर कार्रवाई की गई। इनके पास से 2 टन स्क्रैप जब्त किया गया है, जिसकी कीमत करीब 40,000 रुपए बताई जा रही है। कबाड़ चोरी में जुटे कारोबारियों पर मोरवा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बेशकीमती कल पुर्जे जब्त किए। थाना प्रभारी मनीष त्रिपाठी के नेतृत्व में ऑपरेशन शिकंजा के तहत इन कारोबारियों पर कार्रवाई की गई। कारोबारी एक पिकअप वाहन में 2 टन का स्क्रैप लेकर जा रहे थे, जिसकी कीमत करीब 40,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने दोनों कबाड़ कारोबारी किशन प्रसाद केवट, जो कि झारखंड का रहने वाला है, और मोरवा निवासी राजेंद्र उपाध्याय के विरुद्ध मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया, जहां से इनको जेल भेज दिया गया। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।